माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी नाथ जी, हमारे डिप्टी CM और राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम इस छोटे से व्यक्ति को इस लायक समझा कर मैनपुरी की जनता की सेवा के लिए भेजने का काम किया। हम मैनपुरी की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, सांसद विधायक जनता बनाने का काम करते हैं। सांसद विधायक जनता का सेवक होता है। तो भैया हाथ ऊपर करो। हम तो सेवा करने के लिए आए हैं। इटावा के लोगों ने मुझे दो दो बार सांसद बनाया। आप लोग पूछते थे इटावा में कोई रिपीट नहीं हुआ, इतिहास नहीं बदला आज़ादी के बाद। तो इटावा की जनता ने 2004 में इतिहास भी बदलने का काम किया, तो दोबारा हमें 2 लाख से जिताने का काम किया। जसवंत नगर की विधानसभा ने इतिहास बदलने का काम किया, तो हमें 1,51,000 से जिताने का। तो मैनपुरी और इटावा में कोई अंतर नहीं है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। हम लोग आते हैं, सब रिश्तेदार हैं एक दूसरे में, सबके संबंध हैं, तो हमारे बारे में सब लोग जानते हैं। हम कोई बड़े बाप के बेटे नहीं, हम किसान के बेटे। मौका मिला माननीय हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, हम लोग शिष्य हैं, उनके शिष्य के रूप में काम करने का। बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। आज समाजवादियों क्या है, नेताजी का जब अपमान हुआ, जब उन्हें पद से हटाने का काम किया, हम लोग उसके पहुँचे, उसी समय हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को त्यागने का काम किया। नेताजी का अपमान हो रहा है तो हम लोगों को कहाँ सम्मान मिलेगा। उसके बाद सुखपाल सिंह हमारे राजनीति गुरु रहे, उनके साथ रहा, लेकिन लिमिट होती किसी चीज़ की। हम 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, MLA रहे, हमें कोई विलय में नहीं लगता। रघुराज सिंह ने कभी भी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, क्योंकि जनता एक नेता नहीं है, सेवक बना दिया। जनता हम लोग गाली भी दे सकती है, कुछ भी कह सकती है, क्योंकि अधिकार हम ऋणी हैं, कर्जदार होते हैं जनता के। क्योंकि जनता जो वोट देती है, हम लोग कर्जदार हो जाते हैं उसका कर्ज चुकाने के लिए। जब नहीं चुका पाते तो जनता नाराज भी होती है, गाली भी देती, सब सुनने पड़ती है। तो हम लोग खुश होने वाले लोग, क्योंकि हमें मौका मिला, आप किसान के बेटे थे। तो बधाई दूंगा मैं जनता को, और हम मैनपुरी की जनता के बीच में आए। जसवंत नगर हम रहने वाले मैनपुरी लोकसभा के हैं, क्योंकि वोटर मैनपुरी लोकसभा के हम हैं। आज भी वोट हमारा मैनपुरी लोकसभा के अंदर है। हमारा गांव धौलपुर खेड़ा जसवंत नगर विधानसभा में है, और वोटर हम यहाँ के। शिवपाल जी के लोकसभा चुनाव में आप राजनीतिक गुरु बताते हैं, शिवपाल सिंह क्या आपका